हेलो, वेलकम टू प्रीति डायरीज। मैं प्रीति जहाँ आप लोग का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज है संडे और आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप लोग को मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो 8 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं आ गई हूँ अभी नहाकर। संडे को थोड़ा जल्दी से नहा लेते हैं हम। तो चलिए किचन में नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार का स्पेशल करेले का भरवा। आप लोग कई बार बनाए होंगे, मैं कैसे बनाती हूँ चलिए मैं वो आप लोग को दिखाती हूँ। करेले को अच्छे से धोकर साफ करके दो भागों में काट लिया है। उसके बाद कुछ इस तरह से चीरा लगा लिया है ताकि जब हम इसमें मसाले भरेंगे तो ये आसानी से उसके अंदर रहे। एक बर्तन में पानी गरम चढ़ा देंगे, उसमें एक चम्मच नमक डालकर सारे करेले को उसमें डाल देंगे बॉईल होने के लिए। हल्का बॉईल हो जाने के बाद इसे अच्छे से चम्मच के मदद से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर का जो बीज है वो निकाल लेंगे ताकि इसे मसालों के साथ पीसे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये मेरा एक ट्रिक हो गया आप लोगों के लिए कि इसका बीज आप लोग मसाले में डालकर यूज कर ले, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मसाले के लिए मैंने लिया है काला राई, लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इन सबको मिक्सी में अच्छे से पीस लें। मसाला पीस लिया, अब इसमें करेले का बीज डालकर फिर से पीसेंगे और ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। अब दो प्याज लेंगे, प्याज को एकदम बारीक काट लेंगे। पैन में सरसों तेल और बारीक किया हुआ प्याज डालकर भूनेंगे, फिर वो सारे मसाले डाल देंगे जो हमने पीसा था, फिर उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले में हम नमक डाल देंगे। मसाला भूनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसे करेले के अंदर भरेंगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से मैं भर रही हूँ। यहाँ एक चम्मच के सहायता से सारा करेला को मैंने भर लिया है मसाला। अब सिर्फ इसे फ्राई करना है। सो तेल डालकर सारे करेले को डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक करेला का भरवा हो रहा है तब तक हम मैं दाल बना लूँगी। तो मूंग के दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। दाल को मैंने दो बार अच्छे से धो लिया है। अब कुकर चढ़ाएंगे गैस पर और कुकर में दाल को डालकर पानी, हल्दी और नमक डालकर इसे 3 सीटी आने तक गैस पर चढ़े रहने देंगे। करेले को पलटा लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, तो अच्छे तरह से इसे पलट पलट कर इसे अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ देखिए मेरा करेला का टेस्टी टेस्टी भरवा तैयार है। आइए और आप लोग भी खाइए। करेला बनाते समय किचन फैल गया था तो मैं वही समेट रही हूँ, तो जल्दी समेट कर उसके बाद फिर रोटी। दाल बनकर रेडी हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी इसमें छौंक। थोड़ा सा पैन में थोड़ा सा सरसों तेल, जीरा और प्याज डालकर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है जो कि बहुत ही टेस्टी बने हैं। नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, अब हम जा रहे हैं खाने। तो देखिए आप लोग भी, ये मेरे सब्सक्राइबर के लिए दही, दाल, करेला का भरवा और रोटी। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए। बहुत ही टेस्टी बने हैं करेला के भरवा, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से बना कर देखिएगा। तो कम है यार, तुम फोटो खींचा लेना। टप्पू, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इवनिंग का टाइम है और मैं जा रही हूँ चाट खाने के लिए। चाट खाने के बाद रात का डिनर भी करके ही वापस लौटेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। आए हैं, अब भी आए हैं, रात के 10 बज रहे हैं, हम लोगों ने डिनर बाहर ही कर लिया। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।